गुड मॉर्निंग क्लास फिफ्थ। हम लोग साइंस में अपना चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे थे, स्केलेटन एंड मस्कुलर सिस्टम। इससे पहले हमने स्केलेटन सिस्टम के बारे में पढ़ा था, स्केलेटन सिस्टम क्या होता है और स्केलेटन के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं वो पढ़े थे। स्कल, बैकबोन, रिब केजेस, ये सब हम लोगों ने इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे जॉइंट्स। जॉइंट्स क्या होते हैं, ठीक है, आइए चलिए देखते हैं। अ जॉइंट इज द रीजन वेयर टू और मोर बोन्स मीट। जॉइंट एक ऐसा रीजन है, एक ऐसी जगह है, एक ऐसी चीज है जहाँ पे दो या दो से ज्यादा जो बोन्स है, हड्डियां हैं, वो मिलती हैं, ठीक है, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, जॉइंट्स बोलते हैं। बोन्स आर हेल्ड टूगेदर एट द जॉइंट बाय स्ट्रॉन्ग टिश्यू कॉल्ड लिगामेंट्स। जो बोन्स है वो एक स्ट्रॉन्ग टिश्यू से जुड़ी होती है, ठीक है ना। अगर कोई स्ट्रॉन्ग टिश्यू है उससे अगर उसमें जॉइंट लगे हुए हैं, बोन्स जो उससे जुड़ी हुई है, उसी को हम क्या बोलते हैं, लिगामेंट्स बोलते हैं। टिश्यू क्या होते हैं, हमारे बॉडी के अंदर छोटे छोटे टिश्यूज होते हैं, टिश्यू से सेल बनता है और सेल से हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है ना। जॉइंट्स में भी मूवेबल डैट कैन मूव फ्रीली और इमूवेबल डैट डू नॉट अलाउ एनी मूवमेंट बिटवीन द बोन्स। जॉइंट्स जो है मूवेबल भी हो सकते हैं और इमूवेबल भी हो सकते हैं। मूवेबल यानी कि वो फ्रीली कहीं भी मूव कर सकते हैं और इमूवेबल यानी कि वो मूव नहीं कर सकते, जैसे हैं वो वैसे ही बने रहते हैं, इंटरलॉक रहते हैं, ठीक है। ऑल द जॉइंट्स आर मूवेबल एक्सेप्ट द स्कल। सारे जॉइंट्स जो है मूवेबल होते हैं सिर्फ स्कल को छोड़ के। मैंने आपको पढ़ा है, बताया था स्कल में कि जो स्कल है वो मूवेबल नहीं होता है, ठीक है ना। द बोन्स ऑफ द स्कल आर इंटरलॉक मेकिंग द जॉइंट्स इमूवेबल। जो स्कल की बोन्स होती है, हड्डियां होती हैं, वो इंटरलॉक्ड होती है यानी लॉक रहती है, जिसकी वजह से वो मूव नहीं कर पाता, ठीक है ना। आप देखिए टाइप्स ऑफ मूवेबल, यानी मूवेबल जॉइंट्स के क्या क्या टाइप्स हैं, कौन कौन से जॉइंट्स हैं जो मूव कर सकते हैं। तो पहला है हमारा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। इन सच अ जॉइंट अ राउंड ऑफ अ बोन फिट इन टू द कप लाइक सॉकेट ऑफ द अदर बोन। इस जॉइंट में क्या होता है, एक जो कोई हमारी बोन होती है, राउंड बोन होती है, वो एक दूसरी बोन के अंदर जॉइंट रहती है। जैसे आपको बॉल एंड सॉकेट दिख रहा होगा, ये हमारा सॉकेट है और ये हमारा बॉल है। तो हमारी एक जो बोन है वो एक सॉकेट टाइप में होती है, राउंड टाइप में होती है, जैसे राउंड हो गई, और एक दूसरी बोन है वो कैसी होती है, कप लाइक स्ट्रक्चर में होती है, जिससे वो उसके अंदर जॉइंट रहती है। जैसे आपको दिख रहा है ये वाला, ये स्ट्रक्चर देखिए, ये जो हमारे ये कौन सा स्ट्रक्चर है, जॉइंट है, शोल्डर जॉइंट, जिससे हमारी जो आर्म की बोन और शोल्डर की बोन क्या है, जॉइन है। तो अगर ये जॉन है तो ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, ये मूव कर सकता है। आप लोगों का जो शोल्डर है वो मूव करता है ना, हाथ जो है मूव करता है। ये देखिए हिप जॉइंट है, ये हमारी हिप वाली जॉइंट है और ये हमारी थाई यानी फीमर वाली बोन है। यहाँ पे एक जॉइंट लगा हुआ है जिससे कि हमारी जो पैर है, थाई है, वो मूव करती है, ठीक है। इट्स अलाउ मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन। इसका जो मूवमेंट है वो पूरी डायरेक्शन में होता है। शोल्डर एंड हिप जॉइंट्स आर एग्जांपल ऑफ दिस जॉइंट। मैंने भी आपको बता दिया, जो शोल्डर और हिप जॉइंट है वो इस जॉइंट्स के एग्जांपल्स हैं। फॉर एग्जांपल वी कैन स्विंग अवर आर्म इन ऑल डायरेक्शन। आप एग्जांपल के देखिए, जो हमारी आर्म है वो उसे हम अपनी सारी डायरेक्शन में क्या कर सकते हैं, घुमा सकते हैं, ठीक है ना, जो भुजाएं होती है हमारी हाथ की। अब देखिए हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट क्या होता है, दिस जॉइंट इज लाइक अ हिंज इन अ डोर। हिंज में होता है कब्जा, कब्जा देखो सुना है, कब्जे जैसा होता है, ठीक है ना। इट्स अलाउ मूवमेंट ऑफ द बोन्स इन वन डायरेक्शन दैट इज आइदर अप और डाउन। इसका जो मूवमेंट है, बोन का मूवमेंट है, वो एक ही डायरेक्शन में होता है, या ऊपर या नीचे, ठीक है ना। नी एल्बो सॉरी एल्बो नी फिगर एंड टोज हैव दिस टाइप ऑफ जॉइंट्स। ये जो हमारी कोहनी है, घुटना है, फिंगर है, टोज है, ये सब क्या है, इस जॉइंट के टाइप्स हैं। आपको दिख रहा होगा इस पे, देखिए ये हमारी बॉल सॉकेट है, इससे आप अच्छे समझ पाएंगे। ये हमारी क्या है, एक बोन है और एक ये बोन है, जो हमारा जो कपलैक स्ट्रक्चर बनाती है और ये राउंड बॉल जैसा स्ट्रक्चर बनाती है, जो कि ऊपर या फिर नीचे ही मूव कर सकती है। जैसे आप ये देखिए, नी की बोन देखिए, ये हमारी पैर वाली है और ये हमारी घुटने से ऊपर वाली है, ठीक है ना। तो ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन जो वो कर सकती है, मूव कर सकती है। और ये एल्बो वाले देखिए, ये हमारी जो एल्बो से नीचे वाला है और ये एल्बो से ऊपर वाला हिस्सा है, तो ये हमारी एक ही डायरेक्शन में मूव कर सकती है। क्या आप अपने हाथ को ऊपर नीचे घुमा सकते हो, क्या आपने आगे पीछे कर सकते हो, नहीं कर सकते। तो ये जो हिंज जॉइंट जो है, एक ही डायरेक्शन में क्या करता है, मूव करता है। अब नेक्स्ट हमारा
pivot joint. This joint is found in the neck between the skull and the first two vertebrae of the spine. ये joint जो है मैं गर्दन और skull के बीच में पाया जाता है and the first two vertebrae of the spine. Spine के दो vertebral joints में, जैसे आपको पहले पढ़ाया था ये क्या होता है, spine होता है और ये क्या है हमारा skull है. तो ये bone, ये जो bone है हमारी skull और spine के बीच में रहता है. देखिए ये हमारा ये वो है स्कल है और ये हमारी बैकबोन है. तो ये इसमें जो जॉइंट है वो इसी जॉइंट को हम बोलते हैं पाइवेट जॉइंट, जिससे हम जो अपना सिर है वो आगे पीछे ऊपर नीचे करते हैं. इस बोन की वजह से हमारा जो सिर जो है मूव कर पाता है. अगर नहीं मूव कर पाएगा, यहाँ पे कोई जॉइंट नहीं होगा, तो हमारा सिर सीधा ही रहेगा, वो कभी भी मूव नहीं कर पाएगा. आप इसे देख सकते हैं, ये होता है पाइवेट जॉइंट, ठीक है ना. ये हमारी क्या हो गई, स्पाइन को स्पाइन हो गई, बट बैकबोन हो गई, ठीक है ना. और ये जो है इधर उधर मूव कर सकते हैं. अब देखिए ग्लाइडिंग जॉइंट. ग्लाइडिंग जॉइंट क्या होता है, दिस जॉइंट इन फाउंड इन द बोन्स ऑफ रिस्ट एंड एंकल एंड बिटवीन एनी टू वर्टेब्रे ऑफ बैकबोन. ग्लाइडिंग जॉइंट जो है हमारी रिस्ट और एंकल, यानी कलाई और एंकल में, यानी पैर की एड़ी होती है, वहाँ पे पाई जाती है. और ये बैकबोन की दो वर्टिब्रे के बीच में पाई जाती है. इट अलाउज द बोन्स टू स्लाइड अगेंस्ट ईच अदर. ये जो बोन्स है वो एक दूसरे को एक दूसरे के अगेंस्ट क्या करती है, स्लाइड करती है, ठीक है ना. देखिए ये है, देखिए आपको दिख रहा होगा ग्लाइडिंग जॉइंट. ये जो जॉइंट है हमारा वो ऊपर नीचे इस तरह से मूव हो सकता है. ये क्या है हमारे हाथ की, यानी रिस्ट की नशा है. इसे मैंने आपको बताया था रेडियस क्या होता है, आलना क्या होता है. और ये हमारी ग्लाइडिंग जॉइंट, ये हमारा क्या है, हाथ है, ये हमारी रिस्ट है. तो हाथ और कलाई के बीच में ये जॉइंट पाया जाता है. अब देखिए एंकल है, ये हमारा जो पैर है, फिबा है, और ये हमारा एंकल है, इसके बीच में क्या कहते हैं, ये ग्लाइडिंग जॉइंट पाया जाता है. तभी तो हम अपने पैर को मूव कर पाते हैं, ठीक है बच्चों. तो आप जॉइंट्स के बारे में पढ़िएगा, कल मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी मस्कुलर सिस्टम क्या होता है, इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों. आपको जो मैंने आज पढ़ाया उससे अच्छे से पढ़िएगा और समझिएगा, ठीक है. थैंक यू.